हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 7th के तीसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कृषि व सिंचाई। तो इसके आज क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आप देखेंगे और लास्ट तक करने की कोशिश करेंगे कि सारे के सारे आपके लेसन में हो जाए। इससे पहले की जो वीडियो था उसके अंदर आप जाके इसकी पूरी डिटेल समझ सकते हैं। आज सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रबी की फसलें कौन कौन सी है, तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सारी क्या है, रबी की फसलें हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है जो जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है। तो जल संरक्षण करना है तो बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारे की पद्धति, या फिर अपने एक बार चैप्टर को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि हर बार क्या है कि आपको चैप्टर को रिपीट करना जरूरी होता है, नहीं तो आप क्वेश्चनों के उत्तर सही नहीं दे सकते। यहाँ पे अगर आपने देखें तो आपको पूरा का पूरा एक बार चैप्टर फिर से रिपीट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको सारे के सारे एकदम से नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे सिंचाई के साधन है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस तरह से होती है। विभिन्न सिंचाई के साधनों में सिंचाई, राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। उसके बाद में कुएं व नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फवारा के माध्यम से की जाए तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से जल की बचत होती है। यहाँ पे आपका क्या होगा, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति ही इसका सही आंसर है। राजस्थान में डैश डैश फसलें होती हैं। यहाँ पे राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो आप कोई भी यहाँ पे तीन लिख सकते हैं, जैसे बाजरा होगी, ठीक है, बाजरा होगी, कपास हो गया, और यहाँ पे मूंगफली होगी। कोई भी तीन फसलें लिखनी है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के सूरतगढ़ में स्थित है। सूरतगढ़ या जैतसर देख लेना आप, जैतसर और सूरतगढ़ इन दोनों में से एक नाम आ जाता है। फिर भी अपने एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि अपने को 100% आंसर चाहिए कि आपका आंसर सही हो। यहाँ पे अपने देख लेते हैं, सबसे बड़ा कृषि फार्म यहाँ पे है। अगर आप चैप्टर को रिपीट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा कृषि फार्म का। राजस्थान के राज्य के श्रीगंगानगर जिले मैं सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तो सूरतगढ़ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सूरतगढ़, ये ज्यादा सर नहीं आएगा, सूरतगढ़ आ जाएगा। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन है, तो आप कोई भी यहाँ पे तीन लिख सकते हैं, जैसे नहरों से सिंचाई की जा सकती है, इसके अलावा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति होगी, ठीक है, कुओं से की जा सकती है। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, दो से तीन। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं, तो बाजरा जो है वो ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे क्या है, गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे जोधपुर हुआ, नागौर हुआ, सीकर, जयपुर और ये अलवर, यहाँ पे क्या है, बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। तो बाद में अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है, या जिनको अपने खा सकते हैं। खाद्यान्न वही होती हैं फसलें, यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं। जैसे खाद्यान्न फसलें जिन फसलों का उपयोग भोजन के लिए किया जाता है, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दालें। और अगर इनका आगे की डिटेल लिखनी है तो ये गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सारों में से आप कोई भी दो से तीन लिख सकते हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लिखना होगा, ठीक है। बाद में दलहन और तिलहन से आप क्या समझते हैं। दलहन मतलब होता है दालें, ठीक है। तिलहन का मतलब क्या होता है, ऐसी फसलें जिनका तेल निकाला जाता है, ठीक है, ऐसी फसलें जिनका तेल निकाला जाता है। तो यहाँ पे अपने देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में, यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को नहीं मिल रहा, अपने फिर भी इनका वर्णन अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ थोड़ा बहुत, कि दलहन और तिलहन से आप क्या समझते हैं। दलहन में ऐसी फसलें
ऐसी फसलें जो कि दालों के रूप में काम आती हैं, मतलब जितनी भी दालें हैं वो सारी की हैं दलहन फसलें होती हैं, जिसके बीच में मूंग, मूंग की दाल, चने की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, उड़द की दाल, और जैसे मूंग चना उड़द अरहर की दाल, ये सारी क्या है दालें हैं। ठीक है, उसके बाद में तिलहन क्या होता है, ऐसी फसलें जिनका क्या है तेल निकाला जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, जैसे तिल की फसल, तिल, और जैसे सरसों होगी, सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल निकलता है तो मूंगफली आ जाएगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक दो और हैं जिसके बीच में तिलहन फसलें आ जाती है, जैसे सूरजमुखी का जो है, सूरजमुखी का तेल निकलता है, सूरजमुखी की फसल का तेल निकलता है। तो ये सारी क्या हैं, ऐसी फसलें हैं जिनका तेल निकलता है, और दलहन फसलें ऐसी फसलें जो कि दालें या खाने में काम में आती हैं। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो आई होप आपको पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।